नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उष्मीय संचरण की चालन विधि के बारे में। आज हम बात करेंगे उष्मीय संचरण की दूसरी विधि कन्वेक्शन या संवहन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। जब किसी तरल पदार्थ, द्रव या गैस में किसी एक स्थान का ताप दूसरे स्थान के ताप की अपेक्षा अधिक हो जाता है तो उस स्थान पर पदार्थ का घनत्व दूसरे स्थान की अपेक्षा कम हो जाता है। इस अवस्था में पदार्थ के ऊंचे ताप या अधिक ताप वाले कण ऊपर उठने लगते हैं तथा उनका स्थान नीचे ताप वाले कण लेने लगते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण पदार्थ का ताप समान नहीं हो जाता। ऊष्मा संचरण की इस प्रक्रिया को, जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं या अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, संवहन कहलाती है। आग पर रखी किसी पतीली में गर्म होता हुआ जल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। संवहन विधि के बारे में मैंने कुछ शॉर्ट में आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे मैं बनाकर आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं अपन ऊष्मीय संचरण की गति के बारे में। अपन ने कहा था कि ऊष्मीय संचरण की तीन विधियाँ हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मीय संचरण की सबसे धीमी जो प्रक्रिया है वो कहलाती है चालन। उसके बाद संवहन प्रक्रिया, उसके द्वारा ऊष्मीय संचरण चालन प्रक्रिया से तीव्र गति से होता है, जबकि विकिरण प्रक्रिया की तुलना में धीमी गति से होता है। दूसरी बात, संवहन द्वारा ऊष्मीय संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की अनुपस्थिति में इस विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण संभव नहीं है। थर्ड पॉइंट, संवहन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण में माध्यम प्रभावित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संवहन द्वारा यदि ऊष्मीय संचरण हो रहा है तो जिस माध्यम में ऊष्मीय संचरण हो रहा है वो माध्यम प्रभावित होता है। चालन विधि में भी क्या था, चालन विधि में भी ऊष्मीय संचरण द्वारा माध्यम प्रभावित होता है। इस विधि में, संवहन विधि में, चालन विधि के समान ही ऊष्मीय संचरण का पथ निश्चित नहीं होता, रैंडम जिगजैग मोशन में या जिगजैग पाथ उसका होता है। पदार्थ की द्रव तथा गैस अवस्थाओं में ऊष्मीय संचरण संवहन विधि द्वारा ही होता है। चालन विधि द्वारा भी द्रव तथा गैस अवस्थाओं में ऊष्मीय संचरण संभव है, लेकिन ठोस अवस्था में ऊष्मीय संचरण केवल चालन विधि द्वारा ही होता है। द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं में ऊष्मीय संचरण संवहन विधि द्वारा भी संभव है। जैसा कि इसकी परिभाषा में मैंने बताया कि संवहन विधि में माध्यम के जो अणु हैं वो ऊष्मा पाकर गति करते हैं, ऊष्मा पाकर अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं। ऊष्मा पाकर, जैसे किसी बर्तन में भरे हुए जल को या किसी द्रव को हम गर्म करें तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसको गर्म करेंगे तो अणु ऊष्मा पाकर क्या होंगे, ऊपर की ओर उठेंगे। तो जो अन्य अणु हैं वो पहले अणु या जो रिक्त स्थान उत्पन्न होगा उसका स्थान लेने का प्रयास करेंगे। ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती जाएगी और धीरे धीरे पूरा द्रव गर्म हो जाएगा। ठीक है, संवहन की व्याख्या जो की जाती है वो की जाती है घनत्व परिवर्तन के आधार पर। हमने कहा अणु जो है ऊष्मा पाकर क्या करेंगे, अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे, यानी घनत्व परिवर्तन होगा। तो कन्वेक्शन मेथड या संवहन की व्याख्या घनत्व परिवर्तन के आधार पर की जाती है। संवहन प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ ग्रेविटेशन होना चाहिए, गुरुत्व मुक्त क्षेत्र, ग्रेविटेशन फ्री फील्ड, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ गुरुत्वाकर्षण जो है वो उपस्थित नहीं है, गुरुत्व मुक्त क्षेत्र है, वहाँ संवहन द्वारा ऊष्मीय संचरण संभव नहीं है। जैसे कृत्रिम उपग्रह जो है उसमें भारहीनता की अवस्था होती है, गुरुत्व मुक्त क्षेत्र है, इसलिए कृत्रिम उपग्रह में संवहन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मीय संचरण संभव नहीं है। किसी द्रव में संवहन द्वारा या चालन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण, यदि द्रव की सतह को, ऊपरी सतह को गर्म किया जाए तो ऊष्मीय संचरण चालन विधि द्वारा होता है तथा निचली सतह को गर्म करने पर ऊष्मीय संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। जैसा कि हमने बात करी बर्तन में भरे द्रव के लिए, हमने बात किया कि कौन सी विधि द्वारा द्रव गर्म होगा, संवहन विधि द्वारा गर्म होगा। संवहन प्रक्रिया है दो प्रकार की होती है, सामान्य संवहन और प्रणोदित संवहन। सामान्य संवहन अपने आप होता है जिसकी दिशा सदैव नीचे से ऊपर की ओर होती है। जैसे हम कहते हैं कि भाई वायु गर्म होकर नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, सामान्य संवहन प्रक्रिया कहलाती है, नॉर्मल कन्वेक्शन कहलाता है। दूसरा संवहन है प्रणोदित संवहन। प्रणोदित संवहन, यदि
द्रव के अणु या गैस के अणु यदि बलपूर्वक किसी दिशा में गति करते हैं, इसके लिए जैसे हमने कहा सामान्य संवहन के लिए दिशा सदैव नीचे से ऊपर की ओर होती है, उसी प्रकार प्रणोदित संवहन जो है उसके लिए कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती। प्रणोदित संवहन किसी भी दिशा में संभव है, इसे बलपूर्वक संपन्न कराया जाता है। जैसे प्रणोदित संवहन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि रक्त संचरण हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है, वो एग्जाम्पल है किसका? प्रणोदित संवहन का एग्जाम्पल है। शरीर में रक्त संचरण के कारण शरीर का ताप नियंत्रित रहता है, ठीक है। संवहन विधि के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना, घरों में रोशनदान बनाना कि गर्म वायु जो है वो ऊष्मा पाकर नीचे से ऊपर की ओर उठती है, इसी प्रकार घरों में चिमनियों का बनाया जाना कि गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है और ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है, रेफ्रिजरेटर द्वारा खाने को ठंडा रखना, मानसूनी हवाओं का चलना, महासागरीय धाराएं गर्म तथा ठंडी आदि संवहन विधि पर आधारित हैं। इसी प्रकार एक डेफिनेशन आती है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स की, है ना, वो भी आधारित है किसके ऊपर? संवहन पे आधारित है, जो उत्तर पूर्व दिशा से आती है और किधर आती है? विषुवत रेखा इक्वेटोरियल लाइन की ओर आती है। कितने डिग्री एंगल पर? भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश पर या 30 डिग्री का कोण बनाते हुए बहती हैं। क्योंकि सूर्य से आने वाली ऊष्मा विषुवत रेखा पर या इक्वेटोरियल लाइन पर ज़्यादा होती है तो वहाँ की जो ऊष्मा अणु जो हैं, वायु जो है वो ऊष्मा पाकर ऊपर की ओर उठती है। ध्रुवों से वायु किधर आती है? अपने पास उनका स्थान लेने का प्रयास करती है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट से आती हुई प्रतीत होती हैं। इन पवनों को अपन कहते हैं व्यापारिक पवने। ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें संवहन विधि पर आधारित हैं। इसी प्रकार समुद्र समीर और थल समीर दोनों भी संवहन विधि पर आधारित हैं। दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि स्थल का ताप ज़्यादा होता है और समुद्र के पृष्ठ का ताप दिन में कम होता है, तो स्थल पर उपस्थित वायु जो है वो ऊष्मा पाकर नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, इसलिए समुद्र के सतह के निकट की ठंडी वायु जो है उस जो खाली स्थान को भरने का प्रयास करती है, इसलिए समुद्र समीर जो है वो किधर चलती है? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इसी प्रकार थल समीर रात के समय में पृथ्वी की स्थल का या थल का वातावरण उसका ताप कम हो जाता है, जबकि समुद्र की सतह का ताप कम नहीं हो पाता, इसलिए रात के समय जो वायु है वो किधर चलती है? अपने पास थल से समुद्र की ओर चलती है, या हम कह दें कि थल समीर जो है वो समुद्र समीर की एक उत्क्रमित प्रक्रिया या उत्क्रमित दिशा में या उसका एक रिवर्स प्रोसेस है। तो ये हमने बात करी संवहन विधि, तो संवहन विधि है ऊष्मीय चालन के अनुसार ही माध्यम की उपस्थिति में संचरित होती है, माध्यम को प्रभावित करती है, ऊष्मीय संचरण का कोई भी पथ निश्चित नहीं होता। गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में संवहन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण संभव नहीं है। संवहन की व्याख्या घनत्व परिवर्तन के आधार पर की जाती है। चालन विधि और संवहन विधि में एक बहुत मुख्य अंतर है कि चालन विधि में अणु जो हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते, लेकिन संवहन विधि में अणु ऊष्मा पाकर गति करते हैं। चालन है सबसे धीमी प्रक्रिया है, संवहन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मीय चालन चालन विधि से तीव्र गति से होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसका जो नोट्स मैंने बनाए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।